क्या ख्याल है, इस साल कॉलेज का स्पोर्ट्स चैंपियन कौन बनेगा? और कौन बन सकता है? रवि? नहीं नहीं, पिछले साल तो रवि बना था, तो क्या इस साल भी वही बनेगा? श्योर, व्हाई नॉट, वो देखो। कम से कम रवि को इस मुकाबले में तो हरा, वरना अपने गैंग की इज्जत कॉलेज कैंटीन की चटनी में पिस जाएगी। ए यू जस्ट वॉच बॉयज। गलत है यार, तुमको चौरंगी लाल का भाई कहते हुए शर्म आती है। वो महेंद्रनाथ की बेटी वेणु ने इतना मजाक उड़ाया और तुम बुजुर्गों की तरह खामोश है? मैं खामोश रहने वालों में से नहीं हूँ। अब देखना मैं उसे क्या सबक सिखाता हूँ। महेंद्रनाथ, महेंद्रनाथ आया भैया। वेणु बेटी ने ट्रंकाल करके जो 5,000 रुपए मंगवाए थे वो भेज दे क्या? हाँ भेज तो दिए, मगर जब भी फोन करते कहते पिताजी 5,000 भेज दो, 10,000 भेज दो, पर एक बार फोन करके ये नहीं बताया कि पिताजी मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है। अरे भाई कैलाश नाथ की भतीजी है, उसे नौकरी थोड़ी करनी है। अरे बेटा, अरे बेटा। यस डैड। भाई मैंने जो तुम्हें अपनी फैक्ट्री के बाजू वाली जमीन खरीदने को कहा था उसका क्या हुआ? वहाँ वो रिटायर्ड टीचर राम प्रसाद रहता है और वो जमीन बेचने से इनकार करता है। क्या? मैं वहाँ गोदाम बनाना चाहता हूँ और वो इनकार कर रहा है। भैया अगर आप कहें तो मैं दर्शन देकर आऊँ। नहीं नहीं, इतनी मामूली सी बात के लिए तुम क्यों तकलीफ करते हो? अरे बेटा जी डैड, उस जमीन को कैसे खाली करवाना है तरीका मैं बताता हूँ, आओ मेरे साथ। आप फिर आ गए? हाँ, मैं ये जमीन खरीदने आया हूँ। मैं पहले ही कह चुका हूँ ये जमीन मैं नहीं बेचना चाहता। लेकिन मैं ये जमीन खरीद रहा हूँ और ये रही इसकी कीमत। मगर आप उसे खरीद कैसे सकते हैं जबकि उसे बेच ही नहीं रहा हूँ? बेचने वाले की मर्जी से खरीदने को बिजनेस कहते हैं, बिना मर्जी के खरीदने को जबरदस्ती कहते हैं, और आज मैं वही करने यहाँ आया हूँ। इस जगह के पैसे ये रहे।